19 साल की उम्र में शहीद होने वाले पायलट इंद्रलाल रॉय की बहादुरी और कुशलता को जानने के लिए बस ये एक लाइन के रिकॉर्ड काफ़ी है। पहले विश्व युद्ध में रॉयल एयरफोर्स के लिए लड़ने वाले रॉय एकमात्र भारतीय फ्लाइंग एस है। फ्लाइंग एस वर्ल्ड वार वन के उन पायलट्स को कहा जाता था जो कि हवाई फाइट्स में कई हवाई जहाज मार गिराते थे। कोलकाता में पैदा हुए रॉय एक बड़े ही पढ़े लिखे परिवार से आते थे। पिताजी बैरिस्टर थे और बड़े भाई परेश लाल रॉय को फादर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग कहा जाता है। उनके नाना देश के पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स में से एक थे। भांजे सुब्रतो मुखर्जी पहले भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। इंद्र उस वक्त केवल 19 बरस के थे जब उन्होंने पहले विश्व युद्ध में बलिदान दे दिया। वे फ्रांस में वेस्टर्न फ्रंट पर शहीद हो गए। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटेन के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित गैलेंट्री अवार्ड ऑफ डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से नवाजा गया। उनकी 10 हवाई जीत महज 13 दिन के भीतर आए। 6 से 19 जुलाई 1918 के बीच उन्होंने दुश्मन के 10 जहाज मार गिराए थे जिनमें से 5 पूरी तरह बर्बाद कर दिए थे जबकि 5 अन्य काबू से बाहर हो गए। उनके भतीजे सुब्रतो मुखर्जी वायुसेना के पहले इंडियन चीफ स्टाफ बने। तो दोस्तों ये थे हर हवाई लड़ाके के आदर्श इंद्रलाल रॉय का इतिहास। दोस्तों इंद्रलाल रॉय के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।